हेलो एंड वेलकम टू इंडिया जी की अकेडमी। इस वीडियो में हम भारत के संविधान में जो 12 शेड्यूल हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी जो डेफिनेशन है और किस शेड्यूल में क्या प्रोविज़न है उसके बारे में हम ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, शेड्यूल क्यों बनाया गया। तो इसकी ये वजह थी कि कुछ आर्टिकल्स थे उनके अंदर कुछ डिटेल्स थी ऐसी, उनको लगातार अपडेट करना, इंसर्ट करना फिजिबल नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो एक सेट ऑफ डिटेल बना दिया गया शेड्यूल के रूप में, तो उसको हम शेड्यूल कहते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि अगर अमेंडमेंट होती है एक शेड्यूल के अंदर तो इसके इनसाइड जितनी भी डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं, यानी कि अमेंड हो जाती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे एट प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल हैं और 448 आर्टिकल्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इस टाइम 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो शेड्यूल्स थे इनेक्टमेंट के टाइम 8 थे और बाद में अमेंडमेंट के थ्रू 4 और ऐड कर दिए गए। इसी तरह जो हमारे आर्टिकल्स थे वो 395 थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था, तो अभी ये 448 हैं। ये एक आप याद रखना एक फैक्ट है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हमेशा 395 रहते हैं, बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो रेगुलरली इंसर्ट होते रहते हैं और डिलीट होते रहते हैं, यानी कि एक्सक्लूड भी हो जाते हैं, कुछ इंक्लूड हो जाते हैं वो अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होती है वो आर्टिकल 368 के द्वारा होती है, और जो अमेंडमेंट की प्रोविज़न है वो हमने ली हुई है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि एक्चुअल जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो 395 रहेंगे, बाकी जो हैं वो क्लॉजेज़ कहा जाता है, उनको जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स में उनको क्लॉज ही कहते हैं, और 25 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो स्टार्ट करते हैं हम जो शेड्यूल हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1, तो इसमें प्रोविज़न दी गई है स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की, जो हमारे भारत को बनाती हैं, कंप्राइज करती हैं। स्टेट के बारे में ये फैक्ट है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसको इमर्ज भी कर सकते हैं और उसे एक नई स्टेट भी बना सकते हैं, लेकिन स्टेट को कभी भी यूनियन से अलग नहीं किया जा सकता। भारत एक यूनियन है ना कि एक फेडरेशन है, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। फेडरेशन में स्टेट अपने आप को अलग कर सकता है, फेडरेशन से स्टेट अपने आप को अलग कर सकता है, ठीक है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता। या तो उसका आप रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसका एरिया बढ़ा सकते हो, या उसमें से एक नई स्टेट क्रिएट कर सकते हो, या दो स्टेट्स को आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और जो न्यू स्टेट्स होती हैं या नई बाउंड्री बनती है जो डिफाइन होती है, रीऑर्गेनाइज होती है, वो प्रेजिडेंट के असेंट के बाद होती है। बिल तो कोई भी होगा वो पार्लियामेंट से ही पास होगा। एट प्रेजेंट हमारे भारत में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज़ हैं। जो लास्ट स्टेट था वो था हमारा तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से बना था। शेड्यूल 2 जो है हमारा, उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर्स हैं, एमएलएज हैं, कैग मिनिस्टर्स, तो उनके जो सैलरीज और एम्यूलमेंट्स हैं उसके बारे में ब्रीफ टर्म्स ले डाउन की गई हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग एक सेक्शन बने हुए हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट, कैग मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पीकर, ठीक है। तो ये सभी हैं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे बनते हैं कि शेड्यूल 2 के अंडर कौन नहीं आता, वहाँ पे आपको ऑप्शन में पीएम दे दिया जाएगा, ठीक है, या आपको कैबिनेट सेक्रेटरी या कुछ भी ऐसा एक टर्म दे दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, या आपकी ये नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको प्रॉपरली पता है शेड्यूल 2 में किसके अमेंडमेंट्स और सैलरी आते हैं। नेक्स्ट इज शेड्यूल 3, उसमें जो फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, जो शपथ होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ओथ और अफर्मेशन में ये फ़र्क होता है कि ओथ में आपको एक रिलीजियस कमिटमेंट करनी पड़ती है, अफर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे अफर्मेशन में कोई भी रिलीजियस एंगल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो आप ओथ में आप यहाँ पे जैसे स्वियर इन द नेम ऑफ गॉड, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई ए बी पर्सन का नाम हो गया, डू स्वियर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमनली अफर्म दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो एंड सो नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, आप देखो कि यहाँ पे ओथ में नेम ऑफ गॉड वो स्वीयर कर रहे हैं, अफर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे आपको किसी के नाम से कसम नहीं खानी पड़ती, ये डिफरेंस होता है। और जो ओथ है वो एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, और नॉर्मली वो स्पीकर ऑफ हाउस ही होगा। ये होगा हमारा शेड्यूल 3 जिसमें फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन आ गया। शेड्यूल 4 में क्या आ गया आपका, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा। यहाँ पे आपने ये याद रखना है, यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ना कि लोकसभा है। तो जो सीट्स होती हैं उनकी एलोकेशन जो होती है वो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है,
और उत्तर प्रदेश जो है हमारा उसकी मैक्सिमम नंबर सीट्स हैं राज्यसभा में, दैट इज़ 34। और जो हमारा राज्यसभा में टोटल सीट्स होती हैं, ये एडिशनल कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ साथ में मगअप करने के लिए, ठीक है। तो ये 250 होती हैं जिसमें से 238 सेलेक्टेड होती हैं, इलेक्टेड होती हैं सॉरी, और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एट प्रेजेंट जो करंट स्ट्रेंथ है वो 245 है, जिसमें 233 जो हैं इलेक्टेड हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड बाई प्रेजिडेंट है। ये अलग अलग फील्ड से आते हैं। ये शेड्यूल 4 हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज़ शेड्यूल 5। तो इसका जो प्रोविज़न होता है, ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ आप एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, ये शेड्यूल एरिया होता क्या है, इसको डिक्लेयर करते हैं प्रेजिडेंट करते हैं। तो इसमें यह है कि जो एरिया है इसमें एब ओरिजिनल्स, इनको आदिवासी को इंग्लिश में ये नाम दिया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे निवास करते हैं। इनहैबिट का मतलब वो निवास करते हैं, और ये टोटली इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड होते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि इनमें से किस ट्राइब को, किस एरिया को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है, ठीक है। और इसका डिफरेंस यही होता है कि जो लॉ होता है वहाँ पर वो गवर्नर इम्पोज करते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, ये भी वही इसके बारे में वर्डिक्ट वगैरह देते हैं। परमिशन टू कैरी बिजनेस बाय पर्सन हु फाइनली सपोर्ट शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे जो पर्सन जो हैं शेड्यूल ट्राइब को सपोर्ट करें फाइनेंशियली प्रॉपरली, क्योंकि जो पर्पज़ है इसका शेड्यूल 5 का वो यही है कि उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो प्रॉपरली जो पर्सन उनको सपोर्ट करें तो उनको बिजनेस चलाने के लिए वहाँ पर परमिशन वगैरह दिए जाते हैं, ओके। तो ये है शेड्यूल 5, जिसमें कि शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं। आपने ये ध्यान रखना है यहाँ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है। शेड्यूल 6, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम, यहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स थे। ट्राइबल एरिया जो होता है वो कल्चर वाइज अलग होता है बाकी सबसे, और सिंस डिकेड्स पीपल फ्रॉम ट्राइबल एरिया हैव नो कम्युनिकेशन बिटवीन डैम एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। बहुत सालों से या बहुत दशकों से कहा जा सकता है जो ट्राइबल एरिया होते हैं उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, जो कंट्री के बाकी पार्ट्स हैं हमारे वहाँ पे नहीं होता। तो उनको लोकल कल्चर का पार्ट करना या दूसरे भारत के हमारे यूनियन के जो लोग हैं, कल्चर्स हैं, कम्युनिटी, उनके साथ मिलाने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को अप करने के लिए ये सिक्स जो हमारा सिक्स शेड्यूल है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाइज गाइडलाइंस देता है। तो कुछ भी ऐसा जो भी ट्राइबल एरिया या जो भी कम्युनिटी शेड्यूल 6 में आती है वो ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सॉरी फ्रेंड्स वो ट्राइबल एरिया जो हमारे ये स्टेट्स दिए हुए हैं उनके लिए काउंटेबल हो जाती है। ये शेड्यूल 6 हो गया हमारा। उसके बाद शेड्यूल 7 हो गया, ये है, इसमें जो लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं किस किस के लिए हैं, ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने किससे ली है, ऑस्ट्रेलिया से। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज सारे हमने डिस्कस किए थे। तो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट जिनमें 47 सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जिसको ये कॉमन होती है यूनियन और स्टेट के लिए, और जो यूनियन के लिस्ट हैं जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस को स्टेट नहीं करेगा क्योंकि ये कंट्री का एक इशू हो गया, ठीक है, तो इसको यूनियन ही मैनेज करेगा। सो ये भी एक रीज़न है कि जो 97 सब्जेक्ट्स हैं या इनके सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं यूनियन के। शेड्यूल 7 हो गया। उसके बाद शेड्यूल 8 जो हो गया हमारा, तो इसमें आ गए हमारे लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हैं, 22 हैं, ठीक है, और इसमें इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट हुआ था तब वहाँ पे 14 लैंग्वेजेस थी। अमेंडमेंट के बाद सबसे पहले हमने सिंधी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई है 1967 में, और सबसे लास्ट में हुई है बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली लैंग्वेज, ये 2003 में जो हमारी 92nd अमेंडमेंट हुई थी उसके ज़रिए ऐड किए गए हैं। और आप ये फैक्ट बहुत ही ज़रूरी है कि ये हिंदी जो है हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर आर्टिकल 343, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इस टाइम जो 42 मोर लैंग्वेजेज हैं वो प्रोविज़न पर हैं, प्रपोज्ड हैं, जिनको के शेड्यूल 8 में इंक्लूजन के लिए डिमांड की जाती है जिनकी। शेड्यूल 9 जो है हमारा वो है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड रेगुलेशन लाइक जुडिशियल रिव्यू।
ठीक है। तो ये इसको आप एक जब कभी आप इमरजेंसी के रिलेटेड भी कुछ भी पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको शेड्यूल 9 का जिक्र मिलेगा मिलेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 की नेहरू गवर्नमेंट की, तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए ऐड किया गया। उससे पहले हमारे 8 जो शेड्यूल थे, तो इसमें एक ये है कि कोई भी लॉ जो है उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए जो उसकी टेस्टिंग होती है, स्क्रूटनी की जाती है, ठीक है। तो वो लॉ जो है शेड्यूल 9 में होगा या नहीं होगा, तो ये एक जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चेक किया जाता है अंदर आर्टिकल 31B ये दिया जाता है। इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है फिर ये किसी भी एक बार अगर कोई भी लॉ जो शेड्यूल 9 में एंटर हो जाता है तो उसको इसके ऊपर कोई भी जैसे उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो कौन सा बिल जो है वो शेड्यूल 9 में जाना चाहिए नहीं, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। वो उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चेक करता है शेड्यूल 9 ये है हमारा। उसके बाद शेड्यूल 10 आ गया, तो इस शेड्यूल में है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो ये डिफेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफेक्शन का मतलब ये है कि जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में इलेक्शन के टाइम कुछ जंप कर जाते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं, पावर के लिए, ऑफिस के लिए। तो ये जो डिफेक्शन है शेड्यूल 10 में इसमें एक प्रोविज़न बना दी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको कि 52nd अमेंडमेंट 1985 में की हुई थी, उसके ज़रिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डिफेक्शन का मीनिंग यही है, और एक प्रॉपर टर्म भी है इसके लिए, क्रॉसिंग द फ्लोर। तो ये जो टर्म है ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ ए पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है, ज्वाइन अनदर पार्टी। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जो प्रोहिबिट करता है उसको एक पार्टी के जो पर्सन है उनको दूसरी पार्टी में जाने के लिए। तो इसका बेसिक एम तो उनका मेन एम तो यही होता है कि पावर और ऑफिस लूर के लिए वो जाते हैं। उसके बाद शेड्यूल 11 हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा इसमें पावर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, जो हमारा पंचायती राज का वीडियो हमने उसमें भी थरली इसको डिस्कशन किया था। तो ये शेड्यूल 11 कब ऐड हुआ था, ये 73rd अमेंडमेंट हुई थी हमारी 1992 में, तो उस टाइम ये ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसका ये बेसिक पर्पज़ तो यही है जो हमारी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमने की थी, कि जो सेंटर स्टेट के जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं वो सारी रूट लेवल, जो हमारा रूट लेवल है तो वो विलेजेस ही हैं तो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो इसके लिए पंचायती राज हमने बनाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो ये 73rd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। इसमें 29 सब्जेक्ट कवर होते हैं, और इसकी एक थ्री टीयर बॉडी होती है, ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक समिति, और जो इसकी अपेक्स बॉडी होती है जो टॉप होती है वो होती है जिला परिषद। ये आपको डायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आते हैं पोलिटी में, ये होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन बना सकते हो कि जो शेड्यूल 11 है वो म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड है या पंचायती के लिए, ठीक है। वो कब ऐड हुआ था, वो 1992 में हुआ था, ये वो 73rd अमेंडमेंट थी या 74th थी, कितने सब्जेक्ट हैं उसमें, और इसमें इसकी एक आपको ऑर्डर सेट करने को दे दिया जाएगा कि पहले ऑर्डर पे ब्लॉक समिति आ गया, दूसरे पे ग्राम आ गया, तीसरे पे जिला परिषद, इसको आप सेट करो, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, आप इसको प्रॉपरली एक बार अच्छे से रीड करना और लेक्चर को एक दो बार सुन लेना, सो दैट कि आपको इसको प्रॉपरली आपको मेमोराइज़ हो जाए। लास्ट में हमारा शेड्यूल 12 है, तो इसमें है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। तो ये हुआ था अप्रैल 1993 में, ये 74th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो ये हुआ था इन दोनों का जो शेड्यूल जो थे हमारे 11 और 12 जो अमेंडमेंट दूसरी, उनका मेन पर्पज़ तो यही था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना। एक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी बनता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है, तो वो है लॉर्ड रिपन। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका भी जो पर्पज़ है हमारे पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ का, तो वो यही है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना। और इसमें जो जैसे वहाँ पे 29 सब्जेक्ट थे हमारे पंचायत में, तो यहाँ पे 18 सब्जेक्ट हैं जो म्यूनसिपलिटी की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटली जो 12 शेड्यूल थे, आप इसमें से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो बनाए के और जो कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो। आप फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोज़ को आप प्लीज़ शेयर करना। आपकी कोई क्वेरी वगैरह तो आप मुझे indiagk@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।